हमारे चैनल का उद्देश्य सारी दुनिया के महान लोगों और दार्शनिकों के विचारों से आपके जीवन को बेहतर बनाना है। इंग्लिश कोटेशंस का भावार्थ न खोने पाए, अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। चैनल की प्रगति के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। आज हम लेकर आए हैं प्रसिद्ध निबंधकार, दार्शनिक, वक्ता और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन के विचार। उनका लॉ ऑफ कंपनसेशन किसी के भी जीवन से दुखों को सदा के लिए दूर कर सकता है। उन्हें अमरीकी नवजागरण का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने दास प्रथा विरोध आंदोलन चलाया। उनकी पहली पुस्तक नेचर में थोथी ईसाइयत तथा अमरीकी भौतिकवाद की कड़ी आलोचना की गई है। उनके द्वारा लिखित नेचर, सेल्फ रिलायंस और लॉ ऑफ कंपनसेशन आदि साहित्य सभी के पढ़ने योग्य है। हम भारतीयों के लिए खास बात यह है कि उनकी रचनाओं में श्रीमद्भागवत गीता, उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों के अध्ययन की छाप भी स्पष्ट दिखाई देती है। प्रस्तुत हैं उनके कुछ अनमोल विचार। जब भी हम किसी दुर्लभ बुद्धि वाले व्यक्ति से मिलें, हमें उससे यही सवाल पूछना चाहिए कि वह कौन सी किताबें पढ़ता है। हम जीवन भर जीने की तैयारी ही करते रहते हैं, जीते कभी नहीं। सारे समय की तरह आज का समय भी बहुत अच्छा है, बशर्ते हमें पता हो कि इसमें करना क्या है। जीवन में हमारे सामने आने वाली हर दीवार वास्तव में एक दरवाजा होती है। प्रकृति एकाधिकार और अपवादों से नफरत करती है। प्रकृति में हमेशा ऐसी परिस्थितियां कार्य करती रहती हैं जो दबंग, बलवान, धनी और भाग्यशाली लोगों को बाकी लोगों के समकक्ष ला पटकती हैं। धन अगर बढ़ भी जाता है तो उसके स्वामी को नष्ट कर देती हैं। छोटे दिमाग हमेशा छोटी चिंताओं में ही घिरे रहते हैं, जबकि बड़े दिमागों के पास चिंताओं के लिए समय ही नहीं होता। अगर ईश्वर ने मनुष्य की जुबान को बोलने के काबिल न बनाया होता तो मनुष्य आज भी जंगल में एक जानवर ही होता। बुद्धिमत्ता की जड़ें अच्छाई में समाई हैं, अच्छाई की जड़ें बुद्धिमत्ता में नहीं। यानी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा भी हो यह जरूरी नहीं है। महत्वाकांक्षा के बिना कोई काम शुरू नहीं किया जा सकता और बिना किए वह काम पूर्ण नहीं हो सकता। पुरस्कार आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको स्वयं इसे जीतना होगा। एक बार जब आप कोई ठोस निर्णय ले लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने की साजिश में लग जाता है। एमर्सन की इस कोटेशन पर शाहरुख खान अभिनीत एक हिंदी फिल्म का मशहूर संवाद भी लिखा जा चुका है। हमें जिन दिनों के गुजरने का पता भी नहीं चलता, उन दिनों से बने साल हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। लोगों को कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि दुनिया के बारे में उनकी राय उनके स्वयं के चरित्र का ही कन्फेशन होता है। दुनिया में लोग वही देखते हैं जो वह देखने के लिए स्वयं तैयार होते हैं। ऐसी दुनिया जो आपको हर पल अपने अनुसार ढालना चाहती है, इसमें अपने प्राकृतिक व्यक्तित्व को बनाए रखना भी दुनिया की महान उपलब्धि है। अगर हम लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना चाहते हैं तो हमें अभ्यास उससे अधिक दूरी के लक्ष्य पर करना चाहिए। कोई व्यक्ति जिस बारे में दिन भर सोचता रहता है एक दिन वैसा ही बन जाता है। जीवन बहुत सारे आगे बढ़ते अध्यायों का पाठ्यक्रम है जिन्हें समझने के लिए जीवन जीना होगा, और वे सारे एक पहेली की तरह हैं और हर पहेली की चाबी एक दूसरी पहेली है। किसी के भी जीवन को उसके जीने की लंबाई से नहीं बल्कि जीवन में गहराई से नापा जाता है। सुबह एक आदमी अपने पूरे शरीर के साथ चलता है, शाम को केवल अपने पैरों से।
बुरे समय का भी अपना एक वैज्ञानिक महत्व है। यही ऐसे अवसर होते हैं जिन्हें सीखने वाले कभी खाली नहीं जाने देते। सारी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही बेहतर बनते जाएंगे। सुंदरता की तलाश में हम बेशक सारी दुनिया की यात्रा कर लें, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो हम उसे कहीं नहीं खोज सकते। इतनी जोर से तेज बोलने वाले कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूं, क्योंकि जो तुम कहना चाहते हो वो तुम्हारी ही तेज आवाज में दब गया है। आप अपना अधिकतम लाभ उठाएं, क्योंकि आपके पास बस इतना ही है। लोगों पर भरोसा करो, तभी वे तुम्हारे प्रति निष्ठावान होंगे। उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वे बहुत अच्छे हैं, और फिर वे आपको अच्छा होकर दिखाएंगे। एक महान व्यक्ति हमेशा झुकने को तैयार रहता है। लोगों में सोना रखने की इच्छा मात्र सोना रखने की इच्छा नहीं है, बल्कि उसमें उनकी स्वतंत्रता और लाभ निहित हैं। जीवन का उद्देश्य खुश होना नहीं है, बल्कि उपयोगी होना, सम्मानजनक होना और दयालु होना है। इससे ही फर्क पता चलता है कि आपने जिंदगी काटी है या अच्छी तरह गुजारी है। जीवन में जब भी आप कुछ खोते हैं, उसके बदले में कुछ पाते जरूर हैं। और जब भी जीवन में आप कुछ पाते हैं, तो उसके बदले में कुछ खोते जरूर हैं। यह अपने हृदय पर लिख लो कि हर दिन साल का सबसे अच्छा दिन है। अगर हमारा जीवन बर्फ की पतली परत पर स्केटिंग करने जैसा हो गया है, फिर तो हमारी गति ही हमारी सुरक्षा है। जहां जीवन होगा वहां खतरा भी होगा। जीनियस लोगों को हमेशा यह लगता है कि वह एक शताब्दी पहले यहां आ गए हैं। दोस्तों, ज्ञान के समंदर में से चुनकर लाए गए ये मोती आपको कैसे लगे और किस कोटेशन ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।